नशा सरकार है और किसी भी तरीके से विपक्ष को कर पाए खाली हिसाब लगाए उन्होंने अभी तक किसी भी नेता के ऊपर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आज पूरे देश और पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन आम आदमी पार्टी द्वारा चल रहा है और हमारे आप पीछे देख रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है पदाधिकारी है ये सभी यहाँ लखनऊ के परिवर्तन चौक पर मौजूद है और आप देख रहे तस्वीर देख रहे कि पुलिस बल भी भारी मौजूद है ताकि धरना प्रदर्शन न हो पाए और क्या क्या और भी मांगे हैं उनको लेकर हम साफ तौर पर हम अंदर जाइए और वहाँ की पूरी जानकारी लेंगे और आगे जाइए क्या है लगता है क्योंकि पूरा जो प्रदेश है वो आम आदमी पार्टी के इतने कार्यकर्ता है वो अपने जो नाराजगी है वो धरना के लिए बारे हम बात करेंगे क्या लगता है तो फिलहाल यहाँ पर जो महिला भी मौजूद है महिला कार्यकर्ता है और पुरुष कार्यकर्ता है जिन्होंने साफ तौर पर जो आदेश दिए था कि परिवर्तन चौक से यहाँ बीजेपी कार्यालय तक जाएंगे चुनाव करने के लिए और भी जो यहाँ पर बस में बैठाला गया है कि प्रदर्शन ना हो पाए क्या कहते हैं मोदी पुलिस को खड़ा है यार हम लोग अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे पुलिस को हिरासत में ले लिया है जिस तरीके से लोग फिलहाल यहाँ पर जो भी कार्यकर्ता है वो बता रहे हैं कि और भी कहाँ पर जो धरना हो चल रहा है तो हमारे साथ तौर पर पीछे देख रहे हैं कि पुलिस बल भी काफी मौजूद है ताकि यहाँ पर कोई भी बड़ा घटना ना हो पाए और भी हमारे अपने कैमरामैन से पीछे दिखाए और भी कार्यकर्ता जो आ रहे हैं भारी मात्रा में कार्यकर्ता मौजूद है जहाँ पर पुलिस बल इनको संभालने के लिए लगी हुई है और फिलहाल अंदर जाकर भी पूरी आपको जानकारी पहुंचाएंगे क्योंकि जो ईडी की जानकारी थी ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था लेकिन गिरफ्तारी में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं पदाधिकारी हैं वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं फिलहाल हम पहुंचे थे फिलहाल हम अपने क्या कहना चाह रहे हैं ये सिर्फ तानाशाह सरकार है और किसी भी तरीके से विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ ये जो तस्वीरें फिलहाल जो आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो यहाँ राजधानी लखनऊ की है ये आप अपने कैमरामैन से कहेंगे कि फिर से पूरी तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर काफी भारी मात्रा में कार्यकर्ता मौजूद है और अंदर जाके पूरी जानकारी बिठाएंगे जो कार्यकर्ता वो भी है उनको उठाकर अंदर बैठाया जा रहा है ताकि ये जो धरना है वो समझ जाओ ये हाल ये धरना है मल्ले का नाम नहीं ले रहा है ये पूरे देश में से पूरे देश में सबसे ज्यादा जानकारी लेकर गठबंधन में इसका देश बताएगा और ये गिरफ्तारी एक छात्र की युवाओं के खिलाफ गिरफ्तारी है 2024 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीतने के लिए पंजाब के अंदर समर्थन मिलेगा पहला साल के खिलाफ मोदी की फिर एक उनकी गैंग है उसके खिलाफ उसको उनका देश मिलेगा जब जब समय बदलता है सबकी ताना पैर बदलती है इंकलाब जिंदाबाद उसके बाद भी बड़ी जिंदाबाद है और आम आदमी पार्टी लड़ती रहेगी आगे बढ़ती रहेगी पीछे में भ्रष्टाचार में उसमें करती रहेगी और बीजेपी में लगाव करती आपत्ति रहेगी जी शादी से भी युवा के खिलाफ बहुत लगाने वाली चल रही है और कुछ साबित नहीं कर पाए शादी हिसाब लगाए उन्होंने अभी तक किसी भी नेता के ऊपर क्या लगता है गिरफ्तारी हुई है ये शादी कांग्रेस है जो है भारतीय जनता पार्टी देश में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व से और उनकी पार्टी से डर चुके हैं हमने डरने वाले नहीं है रुकने वाले नहीं है भगत सिंह के सिपाही है भगत सिंह सिपाही के लोग न डरते हैं न रुकते इंकलाब जिंदाबाद आचार संहिता लगी हुई है इनको नहीं दिखता है जब जब देखे माहौल कौन खराब करता है माहौल खराब करने का काम केवल आम आदमी भारतीय जनता पार्टी करती है जब तुम जानते हो देश में चुनाव चल रहा है तो तुमने क्यों तुम्हें गिरफ्तार किया है राष्ट्रीय स्तर के नेता को रिहाई नहीं होगी देखिए रिहाई नहीं होगी तो आम आदमी पार्टी का पूरा एक एक कार्यकर्ता और छात्र नहीं और युवा नहीं पूरे पूरे प्रदेश के अंदर जोरदार करे और जेल भरने का आंदोलन करेगी बिल्कुल जैसे यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं हमने उनसे साफ तौर पर बात किया जिन्होंने कहा कि ये साजिश है फिलहाल अरविंद केजरीवाल को अंदर दिया गया है
ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी की ये पूरी साजिश है। लेकिन ये भी सवाल है कि आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन ये भारी मात्रा में जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है ये कहीं ना कहीं देखा जाए नियम के खिलाफ है। फिलहाल अपनी मांगों को लेकर पूरे देश प्रदेश में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जितने भी है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं भी ये प्रश्न करना चाहूँ।